हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इस तरह का सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप जेंट स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में यूज़ कर सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे प्लस वन फंदा चाहिए होगा, और एक एक फंदा हमने दोनों तरफ से एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये जो जाली आएगी ये अगर एक फंदे के बाद आएगी तो ये फंदा खिंचा आएगा, तो साइड हमारी ये स्मूथ नहीं आएगी, इसलिए हमने एक एक फंदा साइड में एक्स्ट्रा रखा है। ये जो हमने पैटर्न है ये 43 फंदों के साथ हमने बनाया है। अब इसी पैटर्न को हम 23 फंदों के साथ बनाना सीखेंगे। ये हम फर्स्ट रो डाल रहे हैं अपनी, एक फंदा हमने उतारा, एक फंदा हमने बनाया, ऊन को हमने आगे किया। अब ये दो फंदों का हमने एक करना है डायरेक्शन चेंज कर। डायरेक्शन इसकी रहेगी राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखें इस तरह से। फिर ये दो का एक करना है हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊन आगे एक सीधा, फिर ऊन आगे, ये दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखें ये दो का एक हमने कर दिया राइट से लेफ्ट की तरफ। अब दो का एक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, ये दो का एक करेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर ये दो का एक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे एक सीधा, फिर ऊन आगे, ये दो का एक, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ये लास्ट के दो फंदे हम, ये देखें पहले ऊन आगे करेंगे और ये लास्ट के दो फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये जो हमारा पैटर्न है इसमें रॉन्ग साइड की सारी सलाइयां उल्टी बनेंगी, सारी सलाइयां रॉन्ग साइड की उल्टी बनेंगी। फर्स्ट रो हम अपनी डाल चुके हैं, सेकंड रो हमारी रॉन्ग साइड की है, तो रॉन्ग साइड की सलाई सारी उल्टी बनेगी। ये अब ये देखें हमारी आ गई, अब ये थर्ड रो। थर्ड रो पर हमने क्या करना है, पहला फंदा हमने उतारा, अगला बनाया, ये जाली से बढ़ाया इसको भी हमने सीधा बनाया, आगे ऊन, अब ये फिर हम जाली डाल रहे हैं। अब ये दोनों फंदों का हमने एक करना है, डायरेक्शन है हमारी राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखें इस तरह से। अब तीन फंदे हमारे सीधे बनेंगे, दो और ये तीन। अब ये देखें तीन सीधे बना लिए, अब ये दो का एक हमारा बनेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे तीन फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, ये दो का एक हमारा होगा राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर तीन सीधे बनेंगे, फिर ये दो का एक होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे, और ये एंड के तीन फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे। इस तरह हमारी ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो रॉन्ग साइड की रो है, तो ये पूरी उल्टी बन जाएगी। अभी आ गई हमारी फिफ्थ रो। अब ये एक फंदा हमने उतारा और अब हमारे तीन सीधे बनेंगे, क्योंकि ये जो फंदा हमारा जाली से बढ़ रहा है ये सीधे में शामिल होता जाएगा। अब हमने ऊन आगे की, ये अब दो का एक हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ, एक सीधा, फिर दो, अब ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर आगे ऊन, अब ये एक दो तीन चार पांच सीधे, फिर आगे ऊन, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, एक सीधा, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट, पहले राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, फिर आगे ऊन, और एंड के ये चार फंदे सीधे बन जाएंगे। पांचवी सलाई हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हमारी
सिक्स रो आएगी, सिक्स रो रॉन्ग साइड की रो है तो ये पूरी उल्टी बन जाएगी। अब ये देखें, छह सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी सातवीं सलाई आएगी। अब ये देखें, सेवन्थ रो है हमारी, ये पहला फंदा हमने उतारा। अब ये सीधे हमारे बनेंगे चार, एक उतारने के बाद सीधे बने चार आगे ऊन। अब ये देखें, हमने ये तीन का एक करना है, पहला फंदा उतारेंगे, बाकी दो को एक साथ बनाएंगे और ये उतारा हुआ इसके ऊपर से हम उतार देंगे, ये देखें इस तरह से। फिर आगे ऊन, अब ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, फिर आगे ऊन, अब ये फिर तीन फंदों का एक करना है, पहला उतारा हमने, बाकी दो का एक किया और ये उतारा हुआ इसके ऊपर से हमने उतार दिया, ये तीन का एक हो गया। फिर आगे ऊन, और अब ये एंड के पांच फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे, तो हमारी सेवन्थ रो कंप्लीट हो जाएगी। और एट्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की रो है तो उसे हम पूरा उल्टा बनाएंगे। अब ये देखें, आठ सलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आठ सलाइयाँ बनाने में हमारा पैटर्न इस तरह से नज़र आ रहा है, ये देखें। अब हमारी नाइन्थ रो आएगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वाली जो जालियाँ हैं, ये अगर आप फर्स्ट जब आप शुरू कर रहे हैं बेस से, वहाँ पर अगर आप ना डालना चाहें तो इन्हें ना भी डालें। जब आप इसके पैटर्न की शुरुआत करेंगे तो ये वाली जो जालियाँ हैं इनको अवॉइड भी करके ये पैटर्न यहाँ से आप सीधा शुरू कर सकते हैं। ये वाली जालियाँ हम डालेंगे और ये जो हमारे इस ट्राइंगल के बीच में आ रही हैं इनको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये देखें, नाइन्थ रो हमारी, पहले हमने दो फंदे बना लेने, ये देखें एक उतारा और एक बनाया। अब हमने ये दो का एक करना है, डायरेक्शन हमारी वही रहेगी राइट से लेफ्ट की तरफ। फिर दो फंदे सीधे बनाने, फिर ऊन को आगे करना है, ये देखें एक सीधा बनाया ऊन आगे कर कर, यानी अब ये जो ट्रायंगल वाला हमारा फंदा है सिंगल, इसके आसपास जाली आनी है। फिर आगे ऊन, दो सीधे, अब ये देखें इसके आसपास हमारी ये जाली आ गई है, ये ट्रायंगल वाला ये जो फंदा सिंगल चल रहा है इसके आसपास दो हमने सीधे बना लिए। अब ये देखें, दो का एक हम करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, एक सीधा बनाएंगे। अब ये दो का एक करेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखें इस तरह से। फिर दो सीधे बनाएंगे, फिर आगे ऊन करेंगे एक सीधा, फिर आगे ऊन करेंगे दो सीधे। अब ये देखें, दो का एक करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ और ये दो फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये नाइन्थ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी टेंथ रो है रॉन्ग साइड की रो, इसको हमने उल्टा ही पूरा बना लेना है। अब ये देखें, टेंथ रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है हमारी इलेवेंथ रो। इलेवेंथ रो नाइन्थ की तरह ही बनेगी, दो सीधे, फिर ये दो का एक करेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर दो सीधे बनाएंगे, फिर आगे ऊन एक सीधा, फिर आगे ऊन दो सीधे, फिर ये दो का एक हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ एक सीधा, फिर दो का एक हमारा राइट से लेफ्ट, फिर दो सीधे, फिर आगे ऊन एक सीधा, फिर आगे ऊन दो सीधे, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर लास्ट के ये दो फंदे सीधे बन गए। इलेवेंथ रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आएगी हमारी ट्वेल्थ रो, रॉन्ग साइड की रो है, इसको हम पूरा उल्टा बना लेंगे, इस पर सारे फंदे उल्टे बनेंगे।
अब ये देखें, अब हमारी 13th रो आएगी, 13वीं सलाई, ये भी 9th रो की तरह ही बनेगी, यानी 9th, 11th और 13 सेम बनेंगे। अब ये 13th रो है, 13वीं सलाई, ये देखें दो सीधे, फिर ये दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, दो सीधे, आगे ऊन एक सीधा, फिर आगे ऊन दो सीधे, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट एक सीधा, फिर ये दो का एक हमारा राइट से लेफ्ट, फिर दो सीधे, फिर आगे ऊन एक सीधा, फिर आगे ऊन दो सीधे, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट, फिर दो सीधे। ये हमारी 13th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 14th रो है, 14th रो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, इसको हम पूरा उल्टा बना लेंगे। अब ये देखें 14th रो भी हमने बना ली है, ये 14 सलाइयों का ही पैटर्न है, 14 सलाइयों का ही, और एक बार ये पैटर्न हमारा डल करके कंप्लीट हो गया है। इन्हीं 14 सलाइयों को हमने, इन्हीं 14 सलाइयों को हमने बार बार रिपीट करना है, तो पैटर्न की लुक इस तरह से आएगी। इसमें हमने इनको 14 रोज को 3 बार रिपीट किया है। अब मैं एक बार फर्स्ट रो आपको डाल करके दिखाऊंगी कि इसको हम जैसे रिपीट शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। ये देखें, जैसे हमने पहली सलाई बनाई थी वहीं से हमने फिर से इसको शुरू करना है। ये देखें, एक फंदा उतारा, एक सीधा बनाया, ऊन आगे, और ये दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर दो का एक हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे, एक फंदा सीधा, फिर ऊन आगे, दो का एक राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर दो का एक हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ। ये हम वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, उसी को हम बनाकर मतलब रिपीट शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट रो से ही हमारा पैटर्न फिर से शुरू होगा। फिर आगे ऊन एक सीधा, फिर आगे ऊन, ये दो का एक हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ, फिर ये दो का एक लेफ्ट से राइट की तरफ, आगे ऊन, और ये दो फंदे सीधे। ये देखें, इस तरह से पैटर्न एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इन्हीं 14 सलाइयों को हम आगे आगे रिपीट करते जाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारे पैटर्न की लुक इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से हमारा पैटर्न नजर आने लगेगा। जब हम इस पैटर्न को ज्यादा फंदों में और बार बार रिपीट कर कर बनाएंगे तो ये इस तरह से नजर आने लगेगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा पैटर्न, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स।